हेलो स्टूडेंट दिस इज योर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द डिफ्यूजन डिफ्यूजन के बारे में जनरल जो है आपको इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि डिफ्यूजन जो होता है उसके लिए कोई बैरियर नहीं है एक छोटा सा जो है रिवाइज करवा देता हूं मैं आपको डिफ्यूजन के अंदर किसी तरीके से कोई बैरियर आपको देखने को नहीं मिलता है किसी तरीके की कोई मेम्रीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है डिफ्यूजन की अगर बात करते हैं तो डिफ्यूजन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो अपनी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं तो जनरल आपसे जो है डिस्कस किया गया था अबाउट डिफ्यूजन diffusion, और डिफ्यूजन को नंबर ऑफ फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं उन फैक्टर्स के बारे में भी डिस्कस किया था लाइक like, वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं अच्छे से एनालाइज कर लें कल जो डिस्कस हुए थे क्या था फर्स्ट वन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगर मेंटेन है तो डिफ्यूजन जो है इजीली होगा मॉलिक्यूल्स अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे सेकंड पॉइंट जो इसके अंदर डिस्कस किया था परमियबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन जिसके अंदर फोर डिफरेंट डिफरेंट टाइप आपको बताए गए थे कौन कौन से थे मेब्रेन के जो परमिबिलिटी है जो उसको डिफ्यूजन को फर्दर अफेक्ट करते हैं फर्स्ट वन परमिएबल मेम्ब्रेन जो कम्प्लीटली परमिएबल मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलती है प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो कम्प्लीटली परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है और आपको देखने को मिलेगा जिसके अंदर सोलवेंट एंड सोल्यूट दोनों ही क्या कर सकते हैं मूव कर सकते हैं सेकेंड वन क्या है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जो है अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ओनली सोल्वेंट जो होता है वो मूव कर सकता है और जब आप ओसमोसिस पढ़ेंगे तो वहां पर जो मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलती है वो कैसी होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जिसके अक्रॉस जो मेम्ब्रेन जो है सॉल्वेंट ओनली मूव कर सकता है थर्ड वन जो आपने इसके अंदर देखा अच्छे से वो क्या था सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन अपनी ह्यूमन बींग्स के अंदर मिलने वाली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसी है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है जो सॉल्वेंट को जो जाने देती ही देती है अगर वो क्या नाम है हाइड्रोफोबिक है आपको भी पता होना चाहिए सेलेक्टिवली परमिएबल जो मेम्ब्रेन है वो सिलेक्ट करती है चाहे वो सोल्यूट हो या फिर वो सॉल्वेंट हो ये दोनों को ही मूव करने देती है बट सेलेक्टिवली परमिएबल है सेलेक्टिवली मीनिंग क्या है कि जो सब्सटेंसेस को जो सब्सटेंसेस जो इसकी मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट प्रोटीन्स या फिर उसके अंदर प्रेजेंट लिपिड उससे सिमिलरिटी रखते हैं या फिर सिमिलर काइंड ऑफ नेचर के उनको ईजीली क्या करने देती है ये क्रॉस करने देती है तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन वो मोलिकुल्स को जो है सेलेक्ट करती है सिलेक्टिव नेचर होती है स्पेसिफिक होती है ठीक है और लास्ट वन थी इम जो कंप्लीटली किसी भी तरीके से कोई ट्रांसपोर्ट इस इसके थ्रू जो आपको देखने को नहीं मिलता है तो जनरल आपको बताया था एक बात और छोटा सा मैं आपको डिफाइन कर देता हूं जब बात करते हैं मेमरिन की प्राइमरी सेल वॉल जो परमिएबल है और धीरे धीरे क्या होता है इसके अंदर चाहे वाटर हो या फिर अदर मोलिक्यूल्स इसके अंदर सोल्यूट अगर प्रेजेंट हो वो जब इनटेक होते हैं तो सेल एक्सपेंड होती है तो पता होना चाहिए कि प्राइमरी सेल वॉल की परमिएबिलिटी की वजह से ही वहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेल के अंदर एक प्लांट सेल के अंदर एक्टिव कंप्लीट होना स्टार्ट होते हैं और सेल एक्सपेंशन आपको प्लांट सेल के अंदर देखने को मिलता है तो ये भी है एक पॉइंट कि मैंने यहाँ पे जो मेंशन किया है प्राइमरी सेल वॉल इस पॉइंट को आप अच्छे से देख लेना प्राइमरी सेल वॉल सेकेंडरी अगर सेल वॉल नेचर के अंदर होगी तो वो कैसी होगी वो रिजिड हो जाती है तो सेकंड पॉइंट आपसे डिस्कस किया गया था क्या था की परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। थर्ड वन टेम्परेचर एंड प्रेशर टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज़ करने पर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की वो इंक्रीज हो जाएगी और वो और स्पीडली क्या होने स्टार्ट हो जाएंगे डिफ्यूज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो भी मॉलिकूल जो हैं और ज़्यादा डिफ्यूज होना स्टार्ट होंगे नेक्स्ट साइज़ डिपेंड करता है साइज पे अगर मॉलिक्यूल का साइज ज़्यादा है तो उनकी डिफ्यूजन कैपेबिलिटी जो होती है वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी और अगर उनका साइज कम है तो वो इजीली डिफ्यूज हो जाएंगे तो ये सारे पॉइंट्स आपसे वन बाय वन डिस्कस किए गए थे और एक पॉइंट और भी यहाँ पे लास्ट के अंदर सोलिबिलिटी ऑफ द लिपिड ये आपको भी पता है लाइक डिजोल्व लाइक जो केमिस्ट्री के अंदर आप फिनोमिना पढ़ते हैं अगर मॉलिक्यूल्स की नेचर उसकी मेम्ब्रेन जो उसको सेपरेट आउट कर रही है डिफ्यूजन के लिए अगर मान लीजिए कोई मेम्ब्रेन या कोई बैरियर प्रेजेंट है उस मेम्ब्रेन की नेचर पे डिपेंड करता है कि जो डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल है वो उसके मेम्ब्रेन की सेम नेचर का है तो वो इजीली डिफ्यूज हो जाएगा अदरवाइज वो इजीली डिफ्यूज़ नहीं हो पाएगा चाहे वो लिपिड हो प्रोटीन हो या फिर अदर मोलिक्यूल्स हो ठीक है तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आया था रिगार्डिंग टू डिफ्यूज़न डिफ्यूजन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपको अच्छे से देखना है आज जो आपको अच्छे से पढ़ना है वो क्या है फर्स्ट वन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अच्छे से देखें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इंपॉर्टेंट पॉइंट है होता क्या है कि इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स वो पैरामीटर्स आप वन बाय वन अच्छे से एनालाइज करें फर्स्ट वन कि मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अब यहां पर फर्स्ट पॉइंट आपको मेन पॉइंट फर्स्ट क्या है कि मूवमेंट ऑफ द मोलिक्यूल अकॉर्डिंग टू द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट अब कंसनट्रेशन ग्रेडियंट मेन्टेन है मीनिंग यहां पर किसी भी तरीके से कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी मोलिक्यूल्स अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से मोलिक्यूलर मोलिकूल्स अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपनी लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे फर्स्ट वन सेकेंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के अंदर क्या होता है कि नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं अब प्रॉब्लम क्या आती है कि फैसिलिटेड डिफ्यूजन के अंदर आपको एक डिफ्यूजेबल मेम्ब्रेन जो होती है उस डिफ्यूजेबल मेम्ब्रेन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है और वो प्रोटीन किसकी तरह बिहेव करते हैं वो प्रोटीन एज एन कैरियर प्रोटीन की तरह बिहेव करेंगे वो प्रोटीन एज एन कैरियर प्रोटीन की तरह बिहेव कर सकते हैं वो प्रोटीन एज एन चैनल प्रोटीन की तरह बिहेव कर सकते हैं एज एन चैनल प्रोटीन आप कहेंगे सर नहीं समझ आया आप चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन से क्या समझाना चाह रहे हैं अच्छे से समझें होता क्या है इन नॉर्मल कंडीशन ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको दिखाई गई है क्या है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको शो की हुई है ठीक है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटीन आपको देखने को मिल रही है ये प्रोटीन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट इंटीगल प्रोटीन विच विच इज अ मेम्ब्रेन प्रोटीन ये एक इंटीगल प्रोटीन है क्या है ये एक इंटीगल प्रोटीन इसको टनल प्रोटीन भी बोलते हैं इसको चैनल प्रोटीन बोलते हैं इट इज अ मेम्ब्रेन प्रोटीन देख लें आप इंटीग्रल प्रोटीन टनल प्रोटीन चैनल प्रोटीन ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन ये पूरे कंप्लीट जो वर्ड्स हैं किसके लिए यूज किए जा रहे हैं इस प्रोटीन के लिए यूज किए जा रहे हैं जो कंप्लीटली एम्बरिड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है आपको आउटर साइड के अंदर यहाँ पे देखने को मिलेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो फर्दर आउटर साइड के अंदर इन मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन क्या है इन इनकम्पेटिवली कंसनट्रेशन यहाँ पे क्या है इन इनकम्पेरेटिवली ज्यादा है और इनर साइड के अंदर इन मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन क्या है कम है तो इनको एक चैनल मिल गया है आप देखें इनको एक चैनल मिल गया इस चैनल के थ्रू इस चैनल के थ्रू ये मॉलिक्यूल्स यहाँ से अक्रॉस द मेम्ब्रेन फर्दर क्या होते हैं ट्रांसपोर्ट होते हैं टुवर्ड्स द आउटर साइड टू इनर साइड बाहर से फिर इनर की इनर साइड के अंदर साइटोप्लाज्म की तरफ ये मूव है, करते हैं तो ये पॉइंट तो यहाँ पे क्लियर होता है कि व्हाट इज चैनल प्रोटीन चैनल प्रोटीन जो है एक चैनल प्रोवाइड कर रहा है जिसके थ्रू कॉन्सेंटेशन ऑलरेडी मेंटेन है यहां पे और किसी भी तरीके से कोई एनर्जी एक्सपेंडिचर आपको देखने को यहां पर नहीं मिलता है देर इज नो एनी टाइप ऑफ एटीपी इज रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल वाया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ठीक है तो आपको यह पॉइंट अच्छे से समझ आए होगा कि नंबर ऑफ यहां पे जो मॉलिक्यूल्स ये देखने को मिल रहे हैं ये मॉलिक्यूल्स फर्दर थ्रू इस चैनल प्रोटीन के थ्रू इनर साइड के अंदर मूव करते हैं बस आपको पता होना चाहिए कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो पहले से मेंटेन है एक चैनल प्रोवाइड कर दिया है ताकि ये इजीली इनर साइड के अंदर मूव कर सके ठीक है सेकंड वन व्हाट अबाउट कैरियर प्रोटीन कैरियर प्रोटीन क्या है आप अच्छे से एनालाइज करें नंबर ऑफ प्रोटीन जो इसकी आउटर साइड के अंदर प्रेजेंट है आउटर साइड के अंदर प्रेजेंट है लाइक अगर मैं बात करता हूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक प्रोटीन यहां पे आपको देखने को मिल रहा है एक प्रोटीन प्लाजा मेम्ब्रेन के अंदर ये आपको देखने को मिल रहा है ये प्रोटीन एज एन कैरियर प्रोटीन की तरह बिहेव करते हैं और आने वाला जो मॉलिक्यूल है आप कहेंगे कौन सा मॉलिक्यूल ये ये मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको यहां पे देखने को मिल रहे हैं वही कंसंट्रेशन ग्रीडियंट तो ऑलरेडी मेनटेन्ड होगा और यहां पर वन और टू मॉलिक्यूल्स आपको यहां पर देखने को मिलते हैं ये ये मॉलिक्यूल आता है और इस प्रोटीन से यहां पर अटैच हो जाता है दिख रहा है आपको ये प्रोटीन से अटैच हो जाता है और जैसे ही यह प्रोटीन प्रोटीन जो होता है मूव करता है इनर साइड के अंदर टुवर्ड्स द इनर साइड आपको इसकी जो मूवमेंट देखने को मिलती है क्या करेगा यह प्रोटीन जो इससे ये जो मॉलिक्यूल इससे अटैच था उसको इनर साइड के अंदर फर्दर रिलीज कर देता है दिख रहा है आपको ये भी किसका पार्ट है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का पार्ट है और यहां पर जो प्रेजेंट प्रोटीन है वो किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं एज एन कैरियर प्रोटीन की तरह बिहेव कर रहे हैं देखो आपको भी पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर टू डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन आपको देखने को मिलते हैं फर्स्ट वन इज इंटीग्रल प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन जो होते हैं वो पार्शली एमड्रेड भी हो सकते हैं और कंप्लीटली uh, एम्बेड भी आपको देखने को मिल, मिल सकते हैं फुल्ली एमडेड ये फुल्ली एमड्रेड जो प्रोटीन होता है वो एज एन बिहेव करता है एज एन चैनल प्रोटीन और जो पार्शली एमडेड होता है या फिर पेरिफल साइड पर प्रेजेंट होते हैं वो बिहेव करते हैं एज एन कैरियर प्रोटीन तो इनके लिए मैं वर्ड लिख सकता हूं आपने यहां पे चैनल प्रोटीन लिखा है तो इसके लिए मैं वर्ड यूज कर सकता हूं एज एन कैरियर प्रोटीन और यहां पर भी आप देखें कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट ऑलरेडी मेंटेन है देर इज नो एनी टाइप ऑफ ए इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मोलिकुल फ्रॉम द आउटसाइड टू द इन ऑफ द सेल अच्छे से आप देख सकते हैं इसको एनालाइज कर लें पूरा कंप्लीट कि फैसिलिटेड डिफ्यूजन के अंदर आपको मूवमेंट ऑफ मोलिकूल कहां से देखने को मिल गया हायर कॉन्सेंट्रेशन से उसकी लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सेकंड नंबर कैरियर प्रोटीन एंड चैनल प्रोटीन यहां पे प्रेजेंट होते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट अब आप अच्छे से देखें जो पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट है व्हाट अबाउट सैचुरेशन एक वर्ड यूज किया जाता है कि इन फैसिलिटेड डिफ्यूजन सैचुरेशन देखने को मिलता है सैचुरेशन क्या है सैचुरेशन क्या है सबसे पहले एक फर्स्ट वन सेचुरेशन सेचुरेशन है क्या सुनिए आप कि अगर मैं बात करता हूं मान लीजिए एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट अराउंड 80 टू 90 मान लीजिए आप इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट कितने प्रोटीन्स हैं टोटल हंड्रेड ट्रांसमेंब्रीन प्रोटीन प्रेजेंट है कितने हैं हंड्रेड ट्रांसमेंब्रीन प्रोटीन्स प्रेजेंट है और ये 100 की हंड्रेड ट्रांसमेंब्रिन प्रोटीन ओल ट्रांसमेंब्रीन प्रोटीन्स आर बिजी टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम द इंटस्ट्रिशियल स्पेस टू साइटोप्लाज्म आप अच्छे से देख सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे हंड्रेड ट्रांसमेमेंट प्रोटीन है और हंड्रेड की हंड्रेड ट्रांसमेब्रेट प्रोटीन्स जो है वो बिजी हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को इसके एक्ससेलर जो साइट है या फिर आप बोल सकते हो इंडस्ट्रीशील जो साइट है वहां से इसके साइटोप्लाज्म uh, के अंदर मूवमेंट के लिए पूरे कंप्लीटली बिजी है बिजी इन द सेंस सभी के सभी ट्रांसमेम्बिट प्रोटीन जो है वो यूज़ में आ रहे हैं सभी के सभी कैरियर प्रोटीन्स जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो यूज़ में आ रहे हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मोलिक्यूल ठीक है ये कंडीशन जब आपको देखने को मिलती है आप देखें हंड्रेड में यहां पर बोल रहा हूं बाहर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स क्या है बहुत ज्यादा है अगर आप देखें नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स क्या है बहुत ज्यादा है इसी वजह से जितने भी प्रोटीन्स आपको यहां पे देखने को मिल रहे हैं जो फर्दर ट्रांसपोर्ट करेंगे सभी के सभी सेचूरेट हो जाते हैं और एक पीक आ जाता है कि जब तक वो सारे के सारे मोलिकूल फ्री नहीं होंगे तब तक एक्स्ट्रा के अंदर और आप यहां पर ट्रांसपोर्ट जो है फर्दर इंक्रीज नहीं कर सकते कि हंड्रेड के हंड्रेड जो मोलिक्यूल्स है लाइक सेचुरेशन क्या है सेचुरेशन क्या है ओल मेम्ब्रेन प्रोटीन विच इज कैन विच कैन बिहेव एज एन चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन्स आर सेचुरेटेड बाय ट्रांसपोर्टेड मोलिक्यूल्स जितने भी ट्रांसमेंब्रेन प्रोटीन है वो पूरी कंप्लीटली क्या है बिजी है जिन मॉलिक्यूल्स को वो एक्रोश द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं तो यह पॉइंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए इंपोर्टेंट पॉइंट है अब आ जाइए इसके बाद आपकी एनसीआरटी डिफाइन करती है एक छोटा सा पॉइंट और कि साइड चेन इनिबीटर्स इंपॉर्टेंट है अच्छे से देख लें ये सारे जितने पॉइंट्स मैं यहां पे आपको बता रहा हूं आपसे पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन फर्दर फॉलो नहीं करता है फर्स्ट वन आपको पता है मूवमेंट ऑफ द मोलिक्यूल अकॉर्डिंग टू द कंसोटेशन हायर टू लोअर की तरफ जाएगा दर इज नो एनी टाइप ऑफ एटीपी इज रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ द मोलिक्यूल अकॉर्डिंग द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और कैरियर प्रोटीन एंड चैनल प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है यहां पे सिंपल डायरेक्टली डिफ्यूजन नहीं हो पाता है और इसके बाद सेचुरेशन इन जितनी भी कैरियर प्रोटीन चैनल प्रोटीन आपको

से मिलकर बना हुआ है अब होता क्या है इनके अंदर भी आपको जो ये प्रोटीन है नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स देखने को मिलेंगे वो नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स के अंदर प्रेजेंट होती है साइड चेन साइड चेन के अंदर वो ग्लाइसिन एलिन वेलिन फ्लाइन एलिन मिथोनिन टिप्टोफिन कुछ भी हो सकता है किसी भी इसके अंदर प्रेजेंट जो नंबर ऑफ आपको अमीनो एसिड देखने को मिलते हैं उनकी साइड चेन की अगर मैं बात करूं मान लीजिए यहां पे प्रेजेंट एक अमीनो एसिड उसकी साइड चेन है ये उसकी साइड चेन यहां पे ये प्रेजेंट है और इस साइड चेन के अगर मैं इनिबेटर लगाता हूं इस साइड चेन का अगर मैं इनिबीटर यूज करता हूं इनिबीटर मतलब इन सेंस लाइक जैसे कोई इनिबीटर आया और इस साइड चेन के साथ अटैच होता है अटैच होते ही ये प्रोटीन की कंफर्मेशन चेंज हो जाती है प्रोटीन की कंफर्मेशन चेंज होते ही जो ये मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करती हैं वो ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो जाता है आप अच्छे से देख लें साइड चेन इनिबीटर जो होते हैं साइड चेन इनिबिटर्स साइड चेन इनिबिटर्स के लिए कैसी होती हैं सेंसिटिव अच्छे से पता होना चाहिए सेचुरेशन और सेंसिटिव दो पॉइंट आपके सामने आए नेक्स्ट हाईली सिलेक्टिव हाईली सिलेक्टिव इसके अंदर जो प्रोसेस आपको देखने को मिल रहा है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं डाउन हिल जब आप कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग जा रहे हैं इसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है डाउन हिल कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है और यहां पर जो कैरियर प्रोटीन्स होती हैं वो सिलेक्टिव होती हैं पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होंगी ये हाईली सिलेक्टिव होंगी मॉलिक्यूल के लिए स्पेसिफिक होंगी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए तो अच्छे से आप देख लें कि मान लीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट है सोडियम पोटेशियम क्लोराइड नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट है किस आयन को फिर फर्दर इनर साइड के अंदर इनटेक करना है वो डिपेंड करता है ये इसकी सिलेक्टिव नेचर को बताता है स्पेसिफिसिटी स्पेसिफिक specific है स्पेसिफिक मतलब कि नंबर ऑफ पॉजिटिव आइंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं अगर मैं सिलेक्टिव की बात करूँ ये पॉजिटिव आइन को जाने देगी ठीक है पॉजिटिव आइय में कैल्शियम भी हो सकता है सोडियम भी हो सकता है पोटेशियम भी हो सकता है नंबर ऑफ आइंस आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं उनमें स्पेसिफिक किसके लिए है मान लीजिए सोडियम

चल रहा होता है उस समय जितने भी प्रोटीन्स होती हैं वो बिजी हो जाती है उस उस पॉइंट को बोलते हैं सेचुरेशन तो आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा फैसिलिटेड डिफ्यूजन के अंदर जनरल आपसे जो है डिस्कस किया कि किस तरीके से पूरे कंप्लीट प्लांट के अंदर और इवन एनिमल सेल के अंदर भी सेम फिनोमिना आपको देखने को मिलता है फैसिलिटेड के डिफ्यूजन के केस के अंदर ठीक है अब नंबर ऑफ प्रोटीन्स आपकी एनसीईआरटी डिफाइन करती है कि फैसिलिटी डिफ्यूजन के अंदर पोरिन प्रोटीन्स जो हैं वो आपको प्लास्टिड्स की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर देखने को मिलता है माइट्रोकॉन्डिया की जो मेब्रेन है कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके अंदर पोरिन protein प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन की तरह बिहेव करते हैं और अक्रॉस द मेम्रेन मोलिक्यूल्स की ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो एक तो पॉइंट वो आपको अच्छे से देखना है सेकेंड वाटर चैनल्स जो प्रेजेंट होते हैं आपकी एनसीआरटी ने एक डायग्राम जो डिफाइन किया उसको आप देख लें अच्छे से कि ये पूरा कंप्लीट प्लाज्मा को शो किया हुआ है इस मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट ये क्या है ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है एज एन चैनल प्रोटीन की तरह बिहेव कर रहा है मेम्ब्रेन प्रोटीन चैनल प्रोटीन की तरह बिहेव कर रहा है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ इन मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन क्या है यहाँ इन मॉलिक्यूल्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है ज्यादा है इनकंपेटिवली और इसकी इनर साइड के अंदर अक्रॉस द मेम्ब्रेन यहां पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है इनकी कम इसी वजह से इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू फर्दर ये ट्रांसपोर्ट होते हैं और ट्रांसपोर्ट होकर के ये ट्रांसपोर्टेड मोलिक्यूल आपको कहां देखने को मिलते हैं इनर साइड में तो आप देख लें दो एग्जाम्पल आपकी एनसीआरटी लिखती है फर्स्ट एग्जाम्पल जो आपको बताया हुआ है एक बताया हुआ है पोरिन प्रोटीन का का और सेकेंड एग्जाम्पल डिफाइन किया हुआ है वो डिफाइन किया हुआ है एक्वा प्रोटीन का एक्वा एक्वापोरिन का एट एक एक्वा पोरिन एक से मिलकर के वॉटर चैनल्स जो होते हैं वो फर्दर बनाए जाते हैं तो ये दोनों एग्जाम्पल जो है आपको अच्छे से याद रखने हैं पोरिन प्रोटीन जो होती है वो आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलती है प्रोटीन पोरिन प्रोटीन जो होती है वो आपको प्लास्टिड्स की मेम्ब्रेन के अंदर सेकंड नंबर माइटोकॉन्ड्रिया एंड थर्ड नंबर एंड इन सम बैक्टीरिया इनके अंदर आपको देखने को मिलती है अच्छे से एनालाइज कर लें आई थिंक यहां तक आपको समझ आया होगा एनसीआरटी के अंदर जो आपको थ्योरी दी हुई है वो आप अच्छे से देखें फिर फर्दर अपने प्रोसीड करेंगे इसके अंदर मिलने वाले पैसिव जो नंबर ऑफ प्रोटीन्स आपको यूनिपोर्ट सिमपोर्ट एंटीपोर्ट की तरह बिहेव करके जाते हैं उन सभी के बारे में अच्छे से एनालाइज करें फैसिलिटी डिफ्यूजन इट इज द डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन चैनल्स एंड विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी और एनर्जी आपको पहले ही डिफाइन कर चुका हूं मैं अकॉर्डिंग टू कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा और चैनल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी यहां किसी तरीके से कोई एटीपी फर्दर यूज में नहीं आएगा नेक्स्ट वन इट ऑल्सो नीड्स अ कंसनट्रेशन ग्रेडियंट हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है नेक्स्ट इट इज वेरी स्पेसिफिक स्पेसिफिक क्या है सेल सेलेक्ट करती है कि कौन से मोलिक्यूल्स उसकी इनर साइड के अंदर आने चाहिए सेल सेलेक्ट द सब्सटेंसेस फॉर अपटेक इट इज असिटिव टू द इनिबिटर्स दैट रिएक्ट विद द प्रोटीन साइड चेन इनिबिटर्स के के लिए क्या होती है ये सेंसिटिव होती है इसी वजह से आप आप कहेंगे सर हमें ये इनिबिटर्स वाला पॉइंट समझ नहीं आया आप अच्छे से देखें आपको भी पता है कि ट्रांसमेमन प्रोटीन जो होते हैं चाहे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको आपसे डिस्कस कर लेता हूँ ई अगर आपने पहले कभी पढ़ा हो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन अगर आपने कभी पहले पढ़ी हो तो आपको पता है उसके अंदर कॉम्प्लेक्स फर्स्ट कॉम्प्लेक्स सेकेंड कॉम्प्लेक्स थर्ड कॉम्प्लेक्स फोर एंड कॉम्प्लेक्स फाइव फाइव कॉम्प्लेक्सेस आप उसके अंदर पढ़ते हैं और आप पढ़ते हैं कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो होता है उसका इनिबेटर होता है रोटेनॉन अगर आपने पढ़ा हो तो कॉम्प्लेक्स सेकेंड जो होता है उसका इनिबीटर होता है मैलोनेट सक्सिनेट डी हाइड्रोजीनेस का इनिबीटर क्या है मैलोनेट कॉम्पिटेटिव इनिबीटर की तरह बिहेव करता है कॉम्प्लेक्स थर्ड जो है उसका एंटीमाइसिन सी और एंटीमाइसिन और कॉम्प्लेक्स फोर जो होता है उसका एजाइड हो गया साइनाइड हो गया आ, ये, आ, ये सभी आप पढ़ते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड ये सभी आप पढ़ते हैं और लास्ट की अगर मैं बात करता हूं ओलिगोमाइसिन कॉम्प्लेक्स फाइव का तो वो इनिबिटर्स है क्या जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन आपको देखने को मिल रही है उनकी साइड चेंज जो होती हैं उन साइड चेंज से रिएक्ट करते हैं जैसे साइड चेंज से अटैच होते हैं अटैच होने के साथ साथ उनकी कन्फर्मेशन को चेंज कर देते हैं कन्फर्मेशन चेंज होते ही वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो एक चैनल प्रोटीन की तरह बिहेव कर रहा था नंबर ऑफ मोलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर रहा था वो ब्लॉक हो जाता है तो इसी वजह से ये सेंसिटिव है साइड चेन ये ये पॉइंट आप अच्छे से देख लें चाहे वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की अगर मैं बात बात करूं करूं या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाले जो आपको देखने को मिलते हैं पंप्स उनकी बात करूं। ये दोनों के दोनों ही क्या होते हैं सेंसिटिव होते हैं और बैरियर है नहीं वो आप क्या बोलते हैं इस फिनोमिना को सेचुरेशन ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए नेक्स्ट सम प्रोटीन चैनल्स आर ऑलवेज ओपन अदर कैन बी कंट्रोल्ड सम आर इन लास्ट साइज एग्जाम्पल प्रोटीन एग्जाम्पल पोरिन नंबर ऑफ प्रोटीन ऐसे होते हैं वो चैनल हमेशा ओपन रहते हैं और काफ़ी सारे चैनल ऐसे होते हैं जो फर्दर रेगुलेटेड होते हैं कंट्रोल्ड वे के अंदर वर्क करते हैं लाइक like अगर ह्यूमन बींग की बात करें ह्यूमन बींग के अंदर आपने अगर कभी नर्व सेल के बारे में पढ़ा हो तो वहाँ पर भी आपको पता है कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर डिफ्यूजन चैनल तो हमेशा ओपन रहते ही रहते हैं और सोडियम पोटेशियम पम्प जो है वो रेगुलेटेड रहते हैं उसके अलावा भी वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं जो रिक्वायरमेंट होने पर ओपन होते हैं कंट्रोल्ड वे के अंदर वर्क करते हैं

ये जो आपको देखने को मिल रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आकर के अटैच हो रहे हैं अटैच होने के बाद फिर फर्दर इसको कहाँ जो रोटेट जैसे ही रोटेट होता है रोटेट होते ही इनर साइड के अंदर इसको रिलीज़ किया जा रहा है क्योंकि वाटर जो है वो डिफ्यूज़ हो सकता है बट वाटर जो होता है वो कैसा होता है हाइड्रोफिलिक आपको भी पता है आयनिक फॉर्म के अंदर आपको देखने को मिल सकता है बट प्लाज्मा मेमरी आपकी कैसी होती है हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है तो वो इजीली क्रॉस नहीं कर पाएगा इजीली अगर ऐसा होता तो यहाँ पे मैं वाटर रख देता हूँ और वो इजीली क्या हो सकता है डिफ्यूज़ होकर इनर के इनर साइड के अंदर चला जाता प्लांट की लीफ जो है उसको रूट से फर्दर सक करने की जरूरत है ही नहीं बाहर से आप उसको वोटर दीजिए वो फर्दर अगर डिफ्यूज़ होकर के इनर साइड में जा सकता था डायरेक्टली तो वो ईजिली एब्जोर्व कर लेते प्लांट की लीफ जो उसकी आउटर मेमरी ऐसा नहीं होता है होता क्या है कि वोटर भी जो है वो उसके लिए भी आपको क्या चाहिए एक्वापोरिन एक्वापोरिन चाहिए एक्वा से अटैच होता है और एक्वापोरिन रोटेट होकर इनर साइड में जाती है और फिर फर्दर उसको इनर साइड में रिलीज करती है तो आई थिंक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के रिगार्डिंग आपको ये समझ आया होगा अब आप देखिए इसके बाद जो आपके सिलेबस के अंदर है पैसिव जो यूनिपोर्ट्स इंपोर्टेंट एंटीपोर्ट एं आपको शो किए गए हैं अच्छे से एनालाइज करें इन तीनों को फैसिलिटेड डिफ्यूजन का ही पार्ट है आप कहेंगे सर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आप क्यों बोल रहे हैं इसको क्योंकि यहाँ पे मेम्ब्रेन के अंदर आपको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आपको देखने को मिल रही है बट ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो होती हैं फर्स्ट वन क्या है यूनिपोर्ट जिसके अंदर ए एक मॉलिक्यूल है जो एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर ही फर्दर क्या करता है मूव करता है जैसे सार्कोलॉजमिक रेटिकुलम से जब कैल्शियम कैल्शियमाइंस बाहर की तरफ रिलीज होते हैं तो वहां पर इन नॉर्मल कंडीशन सबसे पहले कैलमोड्युल प्रोटीन वहां पे वर्क करता है और वो वो प्रोटीन कैल्शियम वो को बाहर की तरफ रिलीज़ करवाता है वो कैल प्रोटीन सार्कोलॉजमिक रेटिकुलम की मेमरिन पर जाकर के अटैच होकर के कैल्शियमाइंस को बाहर की तरफ रिलीज़ करवाता है आप कहेंगे सर ये तो आपने एग्जाम्पल एनिमल सेल का दिया है प्लांट सेल के अंदर भी ऐसा होता है यस प्लांट सेल सेल के अंदर भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लाइक अगर की इनर साइड के अंदर पीएच को मेंटेन करना है तो प्रोटॉन के जो है एंटी आपको डायरेक्टली यूनिपोर्ट वाले नंबर ऑफ ट्रांस प्रोटोन देखने को मिलते हैं जिनके थ्रू प्रोटॉन्स बाहर की तरफ और बाहर से इनर साइड के अंदर भी आ सकते हैं वो डिपेंड करता है कि ये इसकी डायरेक्शन कैसी है ठीक है सेकेंड नंबर एंटीपोर्ट एंटीपोर्ट क्या है एंटीपोर्ट कि एक मॉलिक्यूल जो है उसकी सेल की आउटर साइड से इनर साइड के अंदर एंट्री और उसके अगेंस्ट एक मॉलिक्यूल जो होता है सेल की इनर साइड से आउटर साइड की तरफ मूव करता है ये ये वर्क किसका है ये पर्टिकुलर ट्रांसमेब्रीन प्रोटीन का वर्क है आप कहेंगे सर नहीं समझ आया जनरल कंडीशन के अंदर अगर आप इन डिटेल तो अपने आगे पढ़ेंगे कभी आपने अगर माइट्रोकोन्ड्रिया को एनालाइज़ किया हो अच्छे से एनालाइज कर लें इसको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको सॉरी एक रफ आइडिया दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए ये दोनों ही एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाले हैं जब माइटोकोंडिया के अंदर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको पता है कि माइट्रोकुंड की इनर साइड के अंदर इनर साइड के अंदर यहाँ पर ए जो होता है वो इनऑर्गेनिक फॉस्टेट के साथ अटैच होकर के इसकी फॉर्मेशन करता है ए की फॉर्मेशन करता है कॉम्प्लेक्स फाइव का वर्क है ये अब सुनिए ये पॉइंट इस वजह से डिफाइन कर रहा हूं क्योंकि ये एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों के अंदर प्रेजेंट है चाहे वो एंटीपोर्ट की बात करें या फिर सिम की बात करें ये दोनों ही आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे इस इस जो है एग्जांपल से होता क्या है कि जब बात करते हैं एटीपी की तो एटीपी की रिक्वायर्ड सेल की आउटर साइड के अंदर भी है इस माइट्रोक्रिया के आउटर साइड में भी है अगर एटीपी जो होता है जो यहाँ पे फर्दर सिंथेसाइज हुआ है अगर उसको सेल के बाहर जाना है सेल के बाहर जाना है तो वो एक मतलब इस माइट्रोकोंड्रिया के बाहर जाना है तो वो एक एंटीपोर्ट जो है वो फॉलो करता है एक प्रोटीन जो प्रेजेंट होती है वो प्रोटीन क्या करती है आउटर साइड से एडीपी को इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को इनर साइड के अंदर एंट्री देती है और यहाँ से एटीपी बाहर की तरफ रिलीज होता है आप अच्छे से देख लें जो इसकी माइट्रोकोड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है उस इनर मेम्ब्रेन पर मैंने एक एंटीपोर्ट बनाया है वो एंटीपोर्ट क्या करता है यहाँ पर सिंथेसाइज हुए ए टी पी को बाहर की तरफ और बाहर से जो ए टी पी फर्दर कंज्यूम हो जाएगा तो एडीपी वहाँ पर जो प्रेजेंट होंगे उन ए डी पी को इस माइ

और मतलब माइटोकोंडा के आउटर साइड के अंदर ही ये आपको एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दोनों देखने को मिलेंगे एडीपी तो इनर साइड के अंदर आ गया है एडीपी की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एडीपी तो किसके थ्रू एक एंटीपोर्ट बना करके एटीपी के साथ इनर साइड के अंदर आ गया बट व्हाट अबाउट इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐसा है क्या कि यहाँ पे माइटोकोंडा की मैट्रिक्स के अंदर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट सिंथेसाइज होते हैं नहीं वो भी ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं बाहर से इनर साइड की इनर साइड के अंदर आप देख लें जो ये सिम पोर्ट यहाँ पे बताया है ये सिम पोर्ट क्या है ये इम्पोर्ट क्या है एग्जाम्पल आप अच्छे से समझे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है होता क्या है कि एक प्रोटोन एक प्रोटोन एलोंग विद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट माइट्रोकॉन्ट्रिया की मैट्रिक्स के अंदर एंट्री लेता है माइट्रोकॉन्ट्रिया की मैट्रिक्स के पास ये एडीपी और ऑर्गेनिक फॉस्फेट खुद सिंथेसाइज नहीं होते हैं वो क्या करता है इनको बाइंड अप करने का वर्क करता है बट दोनों के दोनों बाहर से क्या किए जाते हैं इंपोर्ट किए जाते हैं एक जो इंपोर्ट किया जाता है वो किया जाता है थ्रू द एंटीपोर्ट और एक यहाँ पर जो आपको इनऑर्गेनिक फॉस्फेट देखने को मिलेंगे वो किसके थ्रू इम्पोर्ट किए जाते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रोटोन के साथ सिम्पोर्ट की फॉर्म में क्योंकि आपको भी पता है इंटरसेलर स्पेस जो पे आपको देखने को मिलता है इंटरसेलर स्पेस क्या सॉरी इंटरमेम स्पेस जो आपको पे देखने को मिल रहा है पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स देखने को मिलते हैं उन के साथ में एक प्रोटॉन और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट साथ में आता है और वो किसकी तरह बिहेव करते हैं वो चैनल जो यहां पे प्रेजेंट है वो किस तरह बिहेव करता है एज इन सिम की तरह बिहेव करता है? है आप कहेंगे सर ये एग्जाम्पल्स तो हमने पहली बार सुने क्योंकि हाँ मोस्ट ऑफ स्टूडेंट एंड मोस्ट ऑफ टाइम ये जो है डिफाइन किया ही नहीं जाता है कि एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वाला जो है ये एंटी सिम पोर्ट चल रहा है, चल रहा है। इसी वजह से स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट मैंने आपसे ये डिस्कस किया है, ताकि आपको प्लांट सेल के अंदर भी देखने को मिलता है, और एनिमल के अंदर भी देखने देखने को को मिलता मिलता है है है? और और के के अंदर अंदर। आ जाए ठीक अब जो आप जनरली पढ़ते हैं सोडियम पोटेशियम पंप पंप का मीनिंग यहां पे एनर्जी यूज होगी पंप का ग्रेडियंट नहीं, नहीं है बट ये किसकी तरह बिहेव करता है एंटीपोर्ट की तरह किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं एंटीपोर्ट की तरह नो डाउट आप यहां पे इसका डायरेक्ट ये एग्जाम्पल नहीं बता सकते हैं क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चाहिए पंप के लिए बट आप इसको देखेंगे सोडियम एंड पोटेशियम दोनों किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं एज एन जो यहां पे प्रोटीन होता है वो सोडियम एंड पोटेशियम को क्या करता है एंटीपोर्ट के थ्रू फर्दर इनको ट्रांसपोर्ट करता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन तो पंप को आप यहां आपको यहां पर नेग्लेक्ट करना है नेक्स्ट वन नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर आप कहेंगे सर नहीं ये भी हमें नहीं समझ आया तो पोटेशियम एंड प्रोटोन एक्सचेंजर पोटेशियम एंड प्रोटोन एक्सचेंजर आप कहेंगे पोटेशियम एंड प्रोटोन एक्सचेंजर ये क्या है पोटेशियम एंड प्रोटोन एक्सचेंजर ये हमें नहीं समझ आया पोटेशियम एंड प्रोटोन एक्सचेंजर स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के अंदर स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग के अंदर वर्क करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग के अंदर हेल्प करते हैं क्या है वो पोटेशियम एंड प्रोटोन एक्सचेंजर ये आपको गार्ड सेल जो आपको देखने को मिलती है जो पूरे कंप्लीट कम्प्लीट अपर्चर को कवर करके रखती है वहाँ पर उसके साथ में प्रेजेंट जो सब्सिडरी सेल्स हैं उनके अंदर प्रोटोन प्रोटोन एंड जो आपका पोटेशियम एक्सचेंजर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं वो बिहेव करते हैं एज एन एंटीपोर्ट की तरह अगर प्रोटोन बाहर की तरफ जा रहा है तो पोटेशियम इनर साइड में आएगा अगर पोटेशियम बाहर की तरफ जा रहा है तो प्रोटोन इनर साइड के अंदर एंट्री लेगा तो ये आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट आप कहेंगे सर कोई एनिमल सेल के अंदर एग्जाम्पल जिसके अंदर पंप भी यूज नहीं हो रहा हो तो एनिमल सेल के अंदर अगर आपको पता हो एक एग्जाम्पल जन फेमस एग्जाम्पल है क्लोराइड शिफ्ट क्लोराइड शिफ्ट आप आरबीसी के अंदर पढ़ते हैं आरबीसी है आरबीसी आरबीसी में इनर साइड के अंदर क्लोराइड एंट्री लेता है और आउटर यहां से बाहर की तरफ एच सी ओ थ्री नेगेटिव जाता है तो यहां पर जो आपको देखने को मिल रहा है ये प्रोटीन ये प्रोटीन किसकी तरह बिहेव कर रहा है ये प्रोटीन बिहेव कर रहा है एज एन एंटीपोर्ट की तरह बिहेव कर रहा है तो नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं एनिमल सेल के अंदर भी है प्लांट सेल के अंदर भी है ये तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर प्रेजेंट अ पर्टिकुलर अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन विच कैन बिहेव अ पर्टिकुलर फंक्शन विच कैन फॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन पर्टिकुलर फंक्शन है क्या उसका वो आप अच्छे से एनालाइज करें या तो यूनिपोर्ट होगा या एंटीपोर्ट होगा या सिम पोर्ट होगा आप कहेंगे सर नहीं समझ आया और एग्जांपल कोई सिम पोर्ट का एग्जांपल सिमपोर्ट का अगर एग्जाम्पल आप अच्छे से समझें कि अपनी इंटस्टाइन के अंदर जब ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है इंटस्टाइन के अंदर जब ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है इंटस्टाइन से तो वहाँ की जो सेल्स हैं नॉर्मल कंडीशन के अंदर ग्लूकोज को इंटेक करती है बट अगर वहाँ पे ग्लूकोज के साथ साथ अगर सोडियम आइंस प्रेजेंट है तो सोडियम आइंस के साथ ग्लूकोज का इंटेक क्या हो जाता है इंक्रीज़ हो जाता है इसी वजह से ग्लूकोज जो होता है वो सोडियम आइन के साथ सिम्पोट के थ्रू फर्दर क्या होता है एब्जॉर्ब होता है जनरल होता है जो नींबू पानी जनरली बनाते हैं नींबू पानी के अंदर क्या डालते हैं टेस्ट के लिए हल्का सा सॉल्ट वो टेस्ट के लिए नहीं होता है वो उसका एब्जॉर्ब्शन इंक्रीज करने के लिए होता है कि सोडियम आइंस आए ताकि ग्लूकोज जो है जल्दी से जल्दी एब्जॉर्ब हो और एनर्जी मिले तो वो अच्छे से देख लेना कि यहाँ पर सिम्पोर्ट का एग्जाम्पल आप वो भी लिख सकते हैं तो आई थिंक ये आपको समझ आए होंगे पूरे कंप्लीट फैसिलिटी डिफ्यूजन के बाद जो आपको बताए हुए हैं कि पैसिव यूनिपोर्ट्स इंपोर्ट एंड एंटीपोर्ट किस तरीके से होता है पर इसके लिए रिक्वायर्ड होती है ट्रांसमेंट प्रोटीन जो यूनिपोर्ट्स इंपोर्ट और एंटीपोर्ट के अंदर आपको देखने को मिल रही है क्या है ये अच्छे से एनालाइज कर लें जो आपकी एनसीआरटी डिफाइन करती है देखें यूनिपोर्ट मोलिक्यूल एलोन मूव अक्रॉस द मेमब्रेन थ्रू अ ट्रांसपोर्ट और अ कैरियर प्रोटीन कैरियर प्रोटीन तो रिक्वायर्ड होगा ही होगा ठीक है इसको डिनोट कर रहा है ये फैसिलिटी डिफ्यूजन को डिनोट कर रहा है नेक्स्ट सिम्पोर्ट टू मोलिक्यूल्स टूगैदर क्रॉस द मेमब्रेन इन सेम डायरेक्शन एग्जाम्पल एग्जाम्पल यहां पर आप नोट कर सकते हैं <laughs> ये एग्जाम्पल्स आपको बताए गए हैं नेक्स्ट एंटीपोर्ट टू मॉलिक्यूल्स मूव अपोजिट डायरेक्शन कौन कौन से एग्जाम्पल आई थिंक ये आपको समझ आया होगा पूरा कंप्लीट रिगार्डिंग टू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वन बाय वन इसको पूरा कंप्लीट अच्छे से एनालाइज कर लें यहाँ पे पूरा कंप्लीट बेसिक्स इसके अपनों ने डिस्कस किए थे आफ्टर दैट पूरा कंप्लीट आपके एनसीआर के अंदर ये जो डायग्राम दिया हुआ है फैसिलिटी डिफ्यूजन होता किस तरीके से इसमें मेन पॉइंट आपको सेचुरेशन और सेंसिटिविटी वाले दोनों पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर होने जा हो जाने चाहिए नेक्स्ट इसके बाद आपको डिफाइन किया गया कि फैसिलिटी डिफ्यूजन एनसीआर के अंदर जो थ्योरी है वो फिर फर्दर यूनिपोर्ट्स इंपोर्ट एंड एंटीपोर्ट ये क्या है इनके एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए नेक्स्ट जो अपने को इसके अंदर डिस्कस करना है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट है बस कुछ ही डिफरेंसेस जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर आपके सर एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटी डिफ्यूजन इन दोनों के अंदर डिफरेंस है क्या डिफरेंस है मेजर डिफरेंस है तो पहले उन डिफरेंसेस को आप अच्छे से देखें एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर अपने प्रोसीड करते हैं अगर अभी तक आपको जितना पढ़ा है अपनों ने फैसिलिटिटी डिफ्यूजन तक अगर आपको कोई डाउट है तो थर्टी सेकेंड्स हैं आप अपने डाउट्स जो है वन बाई वन ड्रॉप कर सकते हैं उसके बाद अपने जो है फर्दर प्रोसीड करेंगे इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट सो साइड चेन इनिबिटर्स एंड कैरियर प्रोटीन्स ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ ये साइड चेन इनिबिटर्स एंड कैरियर प्रोटीन्स आप सभी को <coughs> इसके अलावा आपके कोई डाउट्स हैं तो आप ड्रॉप करें सर सेंसिटिव देन वाई कंफर्मेशन चेंज सेंसिटिव इन द सेंस क्या होता है सेंसिटिव का मीनिंग क्या है वो आप अच्छे से समझ लें वैसे भी आपको जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर आपको बताया जाएगा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर प्रेजेंट जो प्रोटीन्स होते हैं वो भी सेंसिटिव होते हैं साइड चेन इनिबीटर्स के तो अभी वन वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट ठीक है चलो अपने स्टार्ट करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट जो आपको देखने को मिलेगा वो क्या है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर आपका जो क्वेश्चन है कि सेंसिटिव uh, होते हैं जो साइड चैन इनिबीटर तो कन्फर्मेशन कैसे चेंज हो जाती है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से एनालाइज करें क्या है नेक्स्ट आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंदर सबसे लास्ट पॉइंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट अच्छे से देख लें एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स or substances moment of the molecules against to the concentration gradient स्ट टू देशन ग्रीडियंट फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू दायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मोलिक्यूल इसकी वजह से होता है यहां पर होता क्या है एक्सपेंडिचर एटीपी का क्योंकि लोअर कॉन्सेंट्रेशन से आप हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल को लेकर के जा रहे हो तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रीडियंट नहीं है अगेंस्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रीडियंट है यहां पर क्या होंगे एटीपी जो होता है, वो required होता है. फॉर द मूवमेंट ऑफ द मोलिक्यूल अकॉर्डिंग टू द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ए टीपी यहां पर रिक्वायर्ड होगा क्योंकि आप कर क्या रहे ये आपका प्लाज्मा यह है ट्रांसमेंब्रेन प्रोटीन बट बाहर की तरफ जो प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स है उनकी कॉन्सेंट्रेशन कम है इनर साइड के अंदर प्रेजेंट जो आपके नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आपको आप देखने को मिल रहे हैं इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है इनकंपेटिवली ज्यादा है तो आप अच्छे से देखें फिर भी बाहर से इन मॉलिक्यूल्स का इंटेक किया जाता है आप कहेंगे सर कोई एग्जांपल? ह्यूमन बींग्स के अंदर आप डाइट के अंदर ग्लूकोज इंटेक करते हैं कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हैं नो no डाउट आपकी इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट जो ग्लूकोज का अमाउंट है जो सीधा अभी डाइजेस्ट हुआ है डाइजेस्टेड आपका फूड है बट आपकी बॉडी के अंदर सेल के अंदर प्रेजेंट जो ग्लूकोज है इनकम्पेरिटिवली उसकी अमाउंट ज्यादा होती है फिर भी उसको जो है फ्रीली फर्दर रिलीज आउट नहीं होने देते हैं उसको क्या किया जाता है एब्जॉर्ब किया जाता है चाहे उसके अंदर एनर्जी क्या हो यूज में आए क्योंकि आपकी बॉडी जो होती है चाहे सेल के पास रिक्वायरमेंट नहीं है फिर भी क्या करती है बाहर की तरफ प्रेजेंट जो मोलिक्यूल जिनकी कॉन्सेंट्रेशन कम है और सेल की इनर साइड के अंदर ज्यादा है उनको इंटेक करने की कोशिश करती है वो वेस्ट मटेरियल के अंदर एक्सक्रीट आउट नहीं होते हैं इसी वजह से कंसंट्रेशन के अगेंस्ट भी एनर्जी को यूज कर करके इनको क्या किया जाता है फर्दर इंटेक किया जाता है यहां से जब ये यहां आएगा तो एक एटीपी जो होता है एक ए टी यहां पर यूज में आता है तो पता होना चाहिए अच्छे से कि बाहर क्या है कंसंट्रेशन इन मॉलिक्यूल्स की कम है एज कंपेयर टू इनर साइड सेकेंड नंबर वही पॉइंट्स जो पॉइंट्स आप ऑलरेडी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर पढ़ चुके हैं एनर्जी यहां पे यूज में आएगी फर्स्ट पॉइंट आपने देखा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट है सेकंड एनर्जी यहां पे यूज में आती है थर्ड वन क्या यहां पे आपको सेचुरेशन देखने को मिलता है यस yes, सेचुरेशन देखने को मिलेगा सेचुरेशन इन द सेंस कि नंबर ऑफ प्रोटीन्स आपको यहाँ पे जो देखने को मिल रही हैं अगर सभी प्रोटीन्स बिजी हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फर्दर ट्रांसपोर्ट करने के लिए तो आपको यहाँ प्रेजेंट जो प्रोटीन्स उसके अंदर सेचुरेशन देखने को मिलेगा नेक्स्ट इस प्रोसेस को जहां पर लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं इसको क्या बोलते हैं अपहिल ट्रांसपोर्ट क्या बोलते हैं अपहिल ट्रांसपोर्ट और अपहिल ट्रांसपोर्ट के अंदर किसकी रिक्वायरमेंट होती है अपहिल ट्रांसपोर्ट के अंदर रिक्वायरमेंट होती है एटीपी की क्लियर है नेक्स्ट यहां प्रेजेंट जो ट्रांसमिमेंट प्रोटीन है ऑल आर सेंसिटिव टू ऑल आर सेंसिटिव टू साइड चेन इनिबिटर्स अब साइड चेन इनिबिटर्स से सेंसिटिव क्यों है अभी इसकी कंफर्मेशन आपको देखने को मिल रही है इस तरीके की कंफर्मेशन देखने को मिल रही है जिससे इजीली ये मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है बट जैसे ही इसकी साइड चेन पे मान लीजिए कोई इनिबिटर आकर के अटैच होता है ये इनिबिशन का साइन है और ये साइन जो होता है वो एक्टिवेशन का होता है पता होना चाहिए तो कोई मॉलिक्यूल यहां पे आकर के अटैच हुआ तो इसकी कंफर्मेशन कैसी हो गई है ये लीजिए ये प्रोटीन इस तरीके से चेंज हो गया है क्यों ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ दिस इनिबीटर इस इनिबीटर के अटैचमेंट की, की वजह से ऐसा हो गया अब यहां से ये मॉलिक्यूल जो है इस प्रोटीन के साथ सेल की इनर साइड के अंदर एंट्री नहीं ले सकते इसी वजह से इस फिनोमिन में क्या बोलते हैं साइड चैन इनिबीटर जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं उसके रिगार्डिंग जो प्रोटीन यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है वो कैसी होती है सेंसिटिव होती है उनकी कन्फर्मेशन चेंज होगी कन्फर्मेशन चेंज होते ही वो मोलिक्यूल्स को ईजिली ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते हैं तो आई थिंक ये आपको समझ आया होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर जो आपकी एनसीआर डिफाइन करती है वन बाय वन आप उसको अच्छे से एनालाइज कर लें पूरा कंप्लीट क्या है देखिए इट इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अगेंस्ट टू द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन रीजन टू द हायर कंसेंट्रेटेड रीजन विद द हेल्प ऑफ एनर्जी एनर्जी की रिक्वायरमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी इट इज कैरीड आउट बाय द मेम्ब्रेन मेब्रेन मेम्ब्रेन प्रोटीन इसके अंदर रिक्वायर्ड होते हैं डायरेक्टली तो जा ही नहीं सकता क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ही मेंटेन नहीं है थर्ड वन पंप्स आर ये पॉइंट जो है अच्छे से देख लें दोबारा से मैं इसको रिमार्क कर रहा हूं पंप्स आर द प्रोटीन दैट यूज एनर्जी दैट यूज एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इस ट्रांसपोर्ट को क्या बोलते हैं अपहिल ट्रांसपोर्ट पता होना चाहिए आप लोगों को ठीक है नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट रेट विच इज द मैग्जिम वेन ऑल द प्रोटीन्स आर वेन ऑल द प्रोटीन्स ट्रांसपोर्टर आर बींग यूज और आर सेचुरेटेड सेचुरेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा लास्ट वन द कैरियर प्रोटीन इज वेरी स्पेसिफिक स्पेसिफिक होती है स्पेसिफिक मोलिक्यूल्स को ही फर्दर क्या करेगी ट्रांसपोर्ट करेगी एंड दीज आर सेंसिटिव टू द इनिबिटर्स दैट रिएक्ट विद द प्रोटीन साइड चेंज ये आपको सारे पॉइंट अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाने चाहिए फोर अल्टीमेटली आपके पास आया क्या है ये 4s आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्या है ये 4s एस यहाँ लिख रहा हूं मैं ये 4s क्या है फर्स्ट वन आपको पता होना चाहिए ये प्रोटीन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं स्पेसिफिक होते हैं ये प्रोटीन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं सिलेक्टिव होते हैं ये प्रोटीन्स जो क्या होते हैं वो क्या होते हैं सेंसिटिव होते हैं ये प्रोटीन्स जो होते हैं वो सेचूरेट भी हो सकते हैं लास्ट वन क्या है सेचूरेट भी हो सकते हैं ये तो इनकी नेचर है स्पेसिफिक है सिलेक्टिव है सेंसिटिव है और ये प्रोटीन्स सेचूरेट भी हो सकते हैं तो ये फोर एस आपको हमेशा याद रहना चाहिए ठीक है तो आई थिंक एक्टिव ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग आपको समझ आया होगा अब पूरा कंप्लीट जो है उनका कंपैरिजन आप अच्छे से देख लें अगर ये टेबल आपको अच्छे से समझ आती है यहां से क्वेश्चन आता है इस टेबल से इस टेबल को स्किप नहीं करना आप लोगों को बहुत अच्छे क्वेश्चन जो है इस टेबल से डिजाइन होते हैं इस टेबल को आप अच्छे से एनालाइज करें क्या है ये टेबल ठीक है और इस टेबल के अंदर कंपैरिजन के अंदर आपको क्या क्या बताया हुआ है वो देखें फर्स्ट वन प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी क्या है रिक्वायर्ड स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या डिफ्यूजन के अंदर किसी तरीके से कोई स्पेशल प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है नहीं बट इन केस ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपको इसकी रिक्वायरमेंट होती है स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है तो फर्स्ट वन इन सिंपल डिफ्यूजन रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स क्या रिक्वायरमेंट है नहीं है बट इन केस ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इसकी रिक्वायरमेंट है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर भी रिक्वायरमेंट आपको देखने को मिलती है ठीक है नेक्स्ट वन सेकंड पॉइंट इसके अंदर क्या बताया हुआ है आप अच्छे से देखें हाईली सिलेक्टिव डिफ्यूजन के लिए कोई जो है सिलेक्टिव नेचर नहीं होती डिफ्यूजन जो है अगर कंसनट्रेशन ग्रेड मेंटेन है तो उसके लिए कोई बैरियर नहीं है जो मोलिकूल्स हैं वो फर्दर अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे ही करेंगे बट इन केस ऑफ बट इन केस ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन आपको देखने को मिलते हैं वो हाईली सिलेक्टिव होते हैं फॉर देयर पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स एंड सब्सटेंसेस वो एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को ही सब्सटेंस को ही फर्दर क्या करते हैं ट्रांसपोर्ट करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन तो पता होना चाहिए हाईली सिलेक्टिव नेचर सिंपल डिफ्यूजन के अंदर आपको किस तरीके से कोई सिलेक्टिव नेचर देखने को नहीं मिलती है बट इन केस ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड इन केस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपको क्या देखने को मिलता है जो फर्दर स्पेसिफिसिटी देखने को मिलती है सेलेक्टिव नेचर देखने को मिलती है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स की ट्रांसपोर्ट सेचूरेट्स डिफ्यूजन के लिए कोई बैरियर है ही नहीं तो कोई ऐसा सेचुरेशन आपको देखने को नहीं मिलता है बट इन केस ऑफ बट इन केस ऑफ फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट वहां पर आपको सेचुरेशन देखने को मिलेगा क्योंकि जितने भी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं वो अगर बिजी है ट्रांसपोर्ट में नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स के तो फर्दर वो क्या हो, चुकती है? Saturate हो सकती है सेचूरेट हो सकती हैं तो फर्स्ट वन एनी टाइप ऑफ सैचुरेशन टेक्स प्लेस इन केस ऑफ डिफ्यूजन इनकेसिलिटेटेड इनकेस एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपको saturation देखने को मिलता है मूवमेंट और आपको भी पता है कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मोलिक्यूल का जो मूवमेंट है ऑनली एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर आपको देखने को मिलता है न कि सिंपल डिफ्यूजन के अंदर और न ही फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के अंदर कहाँ देखने को मिलता है ये आपको ओनली इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट जहां पे एनर्जी क्या होती है यूज में आती है नेक्स्ट रिक्वायर्स एटीपी एनर्जी यस एनर्जी जो है रिक्वायर्ड होती है फॉर मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर लोअर कंसेंट्रेशन द हायर कंसेंट्रेशन इन केस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट बट इन केस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन नो एनी टाइप ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस सेकेंड वन इन केस ऑफ फेसिलिटरी डिफ्यूजन यहां पर भी किसी भी तरीके से कोई एनर्जी यूज में नहीं आती है बट थर्ड वन जो आपको देखने को मिल रहा है इन केस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी यूज में आती है तो सारे पॉइंट्स रिगार्डिंग टू आपके जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है चाहे वो डिफ्यूजन हो सेकेंड वन चाहे वो फैसिलिटेटरी डिफ्यूजन हो और थर्ड वन चाहे वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो एनसीई आर की लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड आपको अच्छे से पता होना चाहिए अच्छे से पढ़ लें यहाँ से एक क्वेश्चन मतलब इस चैप्टर के अंदर फोर सेगमेंट्स जो है मेनली आपको दिए गए हैं फर्स्ट सेगमेंट के अंदर पूरा कंप्लीट डिफाइन किया हुआ है कि मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है सेकंड सेगमेंट के अंदर प्लांट वाटर रिलेशन और थर्ड एंड फोर्थ सेगमेंट जो है जिसके अंदर वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन और लास्ट वन फूड का कंडक्शन बताया हुआ एक बात और देता हूँ अगर इस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है मोस्ट तो ऑफ स्टूडेंट का रहता है कि सर चैप्टर के अंदर जो थ्योरी वो बहुत ज़्यादा दी हुई है इन कंपेरिटिवली जो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर चे, अदर चैप्टर्स हैं उनमें सबसे बड़ा चैप्टर जो हमें यही लगता है और डिफिकल्ट भी लगता है एक बात बता देता हूं मैं आपको इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले मैंने बात की थी कि जब भी ट्रांसपोर्ट की बात की जाती है तो ट्रांसपोर्ट जो होता है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी होता है और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी होता है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जो ट्रांसपोर्ट होता है वो विद इन सेल टू सेल सेल टू सेल होगा विद इन सेल होगा या फिर सेल टू एक्सा सेलर मेट्रिक्स के अंदर आपको जो ट्रांसपोर्ट देखने को मिलते हैं वो क्या होते हैं शॉर्ट डिस्टेंसेज के लिए होते हैं और लॉन्ग डिस्टेंसेज के लिए जो ट्रांसपोर्ट होते हैं जिसको ट्रांसलोकेशन बोला जाता है उसके लिए रिस्पॉसिबल होते हैं एंड फ्लोएम टिश्यू अब एक बात आप अच्छे समझें थोड़ा सा टेक्निकली इस चैप्टर को हैंडल करने की कोशिश करें जो पॉइंट मैं आपको डिफाइन कर रहा हूं उस पॉइंट को आप अच्छे से समझें कि जब मैं बात करूंगा वाटर की जब मैं बात करूंगा अभी जस्ट अभी जस्ट इसके बाद प्लांट वाटर रिलेशन के बाद वही स्टार्ट होगा जाइलम एंड फ्लोएम का पूरा फिनोमिना जब मैं बात करता हूं वाटर की और मिनरल्स की तो वाटर एंड मिनरल्स का शॉर्ट डिस्टेंस तक ट्रांसपोर्ट शॉर्ट डिस्टेंस इन द सेंस सॉयल से वाटर का एब्जॉर्प्शन सॉयल से मिनरल का एब्जॉर्प्शन वहां पर जब भी बात की जाएगी तो वहां पर डिफ्यूजन फैसिलिटी डिफ्यूजन इन्हीं की बात की जाती है वहां पर ट्रांसलोकेशन के लिए वहां पर किसी भी तरीके से जाइलम एंड फ्लोएम की मैं बात नहीं करूंगा वहां पर सिर्फ इतना ही बात करूंगा शॉर्ट डिस्टेंसिस के लिए कि बाहर से रूट हेयर

तो पूरा कंप्लीट चैप्टर अभी तो मैंने सिर्फ एक ही पॉइंट आपसे डिस्कस किया है अबाउट वाटर वाटर का एब्जॉर्प्शन फ्रॉम रूट हेयर्स टू एंडोडर्मिस उसके जस्ट इनर एंडोडर एलिमेंट्स तक वहां पर आप जो पूरा कंप्लीट कंडक्शन देखने को मिलते हो आपको शॉर्ट डिस्टेंस वाला होगा रूट प्रेशर जो लगेगा वो शॉर्ट डिस्टेंस वाला होगा उसके बाद अपर साइड से जो आप क्या कर रहे हैं उसको सक कर रहे हैं ट्रांसपिरेशन पुल की, की वजह से वो उसका लॉन्ग डिस्टेंस वाला होगा तो शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों ही आपको पढ़ने और लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर जाइलम जो है फर्दर यूज में आता है है सेकेंड सिमिलर काइंड ऑफ का पर किसके केस में देखने को मिलेगा मिनरल के केस में मिनरलॉप्शन शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए मिनरल का एब्जॉर्प्शन लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए कि कहा है? आप मिनरल्स को जो है फर्दर मूव करवा रहे हो थ्रू जाइलम ठीक है थर्ड वन सेम कंडीशन आपको फूड की फॉर्मेशन जब लीफ के अंदर होती है वहां देखने को मिलेगी कि फूड जो आपको देखने को मिल रहा है एक लीव के अंदर प्रेजेंट जो नंबर ऑफ सेल्स है मीजोफिल सेल्स के अंदर मिलने वाले क्लोरोफिल्स के अंदर जब क्लोरोफिल जो होता है उसके थ्रू फर्दर मीजोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसके थ्रू फर्दर मिजोफिल सेल के अंदर फूड की फॉर्मेशन हो रही है वो फूड का ट्रांसलोकेशन फूड का ट्रांसलोकेशन मीनिंग कि फूड का लीव से फर्दर रूट की तरफ जाना लॉन्ग डिस्टेंसेज वाला जो सारे पॉइंट पड़ेंगे वो फ्लोएम टिश्यू को लेकर के पड़ेंगे और शॉर्ट डिस्टेंसेज थ्रू डिफ्यूजन आस के एरिया के अंदर जो सेल्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट को अगर कंप्लीट करती है तो वो शॉर्ट डिस्टेंसेज वाला होगा तो आपका मेन फोकस इस चैप्टर के अंदर अब मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ने के बाद दो ही पॉइंट पे रहना चाहिए जो अपने प्लांट वाटर रिलेशन तो पूरा कंप्लीट पढ़ लेंगे उसके अलावा दो ही पॉइंट होने चाहिए एक शॉर्ट के एक long, long के के थ्रू 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 एक लॉन्ग शॉर्ट वाटर कैसे कहां तक मूव करता है और फर्दर uh, मिनरल्स कहां तक मूव करते हैं और फिर फर्दर लॉन्ग में वो फर्दर किस तरीके से मूव करते हैं थ्रू जाइलम और सेम कंडीशन आपको आप किसके अंदर देखनी है आप देखें सबसे लास्ट टॉपिक इसके अंदर दिया हुआ है मास फ्लो एंड प्रेशर फ्लो जो दिया हुआ है मास फ्लो के अंदर दिखाया हुआ है बल्क फ्लो ट्रांसलोकेशन दिखाया हुआ है फूड का बस उससे जस्ट पहले जो पैराग्राफ दिया हुआ उस पैराग्राफ के अंदर फूड फॉर्मेशन के साथ साथ आसपास की जो सेल्स हैं उनके अंदर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा यूनि है या फिर मल्टी है तो वहां पर जो फिनोमिना वर्क करता है वो किसके लिए किसके लिए आपको वहां पर डिफाइन किया हुआ है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए डिफाइन किया हुआ है तो पूरे चैप्टर को पूरा कंप्लीट टेक्निकली आपको हैंडल करना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि आपने पूरा चैप्टर स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक रट्टाफिकेशन लगा दिया है उससे चैप्टर आपका इजी नहीं होने वाला है लॉन्ग टर्म तक अगर इस चैप्टर को याद रखना है तो आपके माइंड में दो पॉइंट रहनी चाहिए शॉर्ट डिस्टेंसेज एंड लॉन्ग डिस्टेंसेज शॉर्ट डिस्टेंसेज के अंदर कैसे कैसे एबजॉपन होगा और लॉन्ग डिस्टेंसेज के अंदर फर्दर कैसे ट्रांसलोकेशन होगा तो आई थिंक दिस इज सफिशियंट फॉर टूडे कल अपने स्टार्ट करेंगे इसके अंदर पूरा कंप्लीट प्लांट वाटर रिलेशन कि किस तरीके से वो जो है प्लांट के अंदर वाटर फॉर द जो है ट्रांसलोकेट uh, किया जाता है कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है जिसके अंदर कौन कौन से फिनोमिना वर्क करते हैं जिसके अंदर आप पढ़ेंगे ऑस्मोसिस के बारे में इन डिटेल आप अच्छे से एनालाइज करेंगे फिर फर्दर वाटर पोटेंशियल क्या है वो आप अच्छे से देखेंगे वाटर पोटेंशियल के अंदर दोनों फिनोमिना आपको पढ़ने एक जो ओल्ड कॉन्सेप्ट है वो भी एक न्यू कॉन्सेप्ट है वो भी और उसके बाद प्लाज्मोलाइज सेल्स क्या होती है और लास्ट टॉपिक उसके अंदर आपको बताया इम्बाइबिशन ये क्या है तो आई थिंक दिस इज़ सफिशियंट फॉर टूडे ओके थैंक यू अब जो है वन बाय वन आप अपने डाउट्स जो है ड्रॉप कर सकते हैं रिगार्डिंग टू द क्लास हाँ जी वन बाय वन अपने डाउट्स जो हों आप ड्रॉप करें थर्टी सेकेंड्स हैं आपके पास हाँ जी आई थिंक स्टिल आपके कोई डाउट्स नहीं है और अगर इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो आप अपने रिस्पेक्टिव जो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर वन बाय वन ड्रॉप करें ओके थैंक यू